लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द व्लॉग। डेली रूटीन मतलब क्योंकि स्टोरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब हम दोबारा से डेली रूटीन की तरफ आ गए। तो आज हमारे यहाँ आए हुए मेहमान, ये मेरी भतीजी आई हुई हैं दोनों और अम्मी भी आई हुई हैं साथ में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ मैं मटर का पुलाव और भुना हुआ कीमा। तो अभी बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, खाना बना रही हूँ। हाँ तो खाना बनाते जाते हैं, बात करते जाती है, ठीक है ना। तो काफ़ी दिनों के बाद स्टोरी क्योंकि ख़त्म हुई है और आज मैंने फिर से व्लॉग स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। डेली रूटीन पैटर्न है मेरा। तो आज मेरी भतीजी आएंगी तो मैंने सोचा चलो आज मटर पुलाव बना लेती हूँ। बच्चियाँ शौक से खा लेती हैं तो इसलिए मैंने कहा चलो मटर पुलाव बना लेती हूँ। एक अभी वो आई थी और एक ये तो उसी काम में लगी हुई अभी मसरूफ। अब वही डेली रूटीन शुरू हो जाएगी रोज़ की, वही मतलब चाय बनाओ शाम में, खाना बनाओ शाम में, दोपहर का देखो, सफाई करो, बर्तन धो, ये करो वो करो। तो पिछले दो दिन से मेरी खुद की बहुत तबीयत खराब थी, जुमेरात और जुमना। आज तो फिर भी थोड़ी बेहतर है। जुमेरात के दिन और जुमे के दिन जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उन दो दिनों में मैंने जो स्टोरी ब्लॉग बनाया ना वो मैंने बहुत मुश्किल से बैठ के बनाया, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है और तबीयत ठीक है मेरी। तो ये मना करके गए थे, कह रहे थे कि काम उतना करना जितनी तुम्हारी हिम्मत हो और उतना करना जितना तुमसे हो सकता है। लेकिन मेरी ऐसी आदत है कि जब मैं काम करने के लिए खड़ी होती हूँ ना तो अपनी हिम्मत नहीं देखती हूँ, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर देती हूँ। तो इसलिए दोपहर में भी हालांकि मैंने अलग खाना बनाया था ताज़ा फ्रेश, और अभी भी दो खाने बना रही हूँ। ये आएंगे ना गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम नहीं करना फिर भी तुमने वही किया और दो दो खाने बना लिए। क्या ज़रूरत थी कि खाना बना देती, मुझे कह देती मैं कुछ और लेकर आ जाता, मगर मैंने कहा चलो नहीं बना लेती हूँ कोई मसला नहीं, खड़े खड़े बन जाएगा जल्दी से। एक साइड में मैं कीमा भून लूँगी और एक साइड में जल्दी से मटर पुलाव तैयार कर लूँगी। वैसे भी दोनों ही चीज़ें बहुत ईजी हैं, इजीली बन जाती हैं, तो इसीलिए। हाँ तो फ्रेंड्स, दो दिन से मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और पिछले दो दिनों जो मैंने ब्लॉग बनाया है तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बैठ भी सकती थी, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से बैठ के स्टोरी को मुकम्मल किया और ब्लॉग अपलोड किया। बनाया मैंने फ्रेश था, ये नहीं कि मैंने पहले से बना के रख दिया, लेकिन बनाया मैंने फ्रेश था। मतलब जिस दिन ब्लॉग मुझे डालना था, जिस दिन स्टोरी डालनी थी, उसी दिन मैंने स्टोरी को रिकॉर्ड किया था, शूट किया था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर ही मेरी तबीयत, क्योंकि दो दिन से मुझे बुखार था तेज़ और ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि स्टोरी को एंड करना था जल्द अज जल्द और मुझे आना था रूटीन की तरफ, अपनी जो मतलब मैं डेली रूटीन रोज़ की शेयर करती हूँ उस तरफ आना था मुझे। तो इसलिए जो ना मैंने बस जल्दी ब्लॉग को जो ना वाइंड अप किया, एंड किया और आज संडे से बना तो मैं सैटरडे को रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये अपलोड संडे को अपलोड होगा तो इसलिए संडे का दिन ही कहूँगी कि संडे का जो दिन है, संडे का दिन ही वैसे सैटरडे का दिन है, सैटरडे को जो है ना मैंने कहा चलो आज रूटीन जो है ना करती हूँ शेयर आज से। और इस दौरान भी काफ़ी कुछ बनता रहा, तबीयत ख़राब थी तब भी मतलब खाना तो मतलब रोज़ बन रहा था, सिर्फ एक दिन जिस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस दिन ये बाहर से खाना लाए थे और उसके अलावा जो ना मैंने घर में खाना बनाया था। बाकी दिनों में सिर्फ फ्राइडे, कल था ना फ्राइडे, हाँ कल ये खाना बाहर से लाए थे। कल मेरी कंडीशन ऐसी मिली कि मैं खड़ी भी हो जाऊँ या मतलब उठूँगी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इसलिए कल ये बाहर से लाए थे। बाकी पिछले दिनों में मैंने खाना घर में बनाया था, दाल चावल बनाए और सालन बनाया और उसके अलावा सब्ज़ी भी बनाई
मतलब रोज़ाना बन ही रहा था खाना, रूटीन जो थी वो रेगुलर वो चल रही थी। तो बस मैंने जल्दी से बस स्टोरी एंड करनी थी और आना था रूटीन की तरफ, और अब मैं आ गई हूँ रूटीन की तरफ, और अब आपको रेगुलर रूटीन के व्लॉग मिलेंगे। खाना तो हमने खा लिया, खा पी के ख़त्म कर दिया। मटर चावल तो अपने मज़ेदार बने थे तो वो तो जल्दी ख़त्म हो गए, और कीमा बाकी है। तो मटर चावल तो मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, मैंने कहा चलो बच्चे शौक से खा लेते हैं मटर चावल, और कीमा मैंने अम्मी की वजह से बनाया था स्पेशली, अम्मी मटर नहीं खाती और इस वजह से ना मैंने कीमा बना दिया था, ये सोच के चलो अम्मी कीमा खा लेंगी। इन्होंने भी कीमा खाया, अम्मी ने भी खा जाएगा ये कीमा तो। लेकिन अभी कीमे का तो, कीमे को तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी दोपहर के लिए कल इन्होंने मुझे पाए ला कर दिए हैं, और क्योंकि बच्चों का भी काफ़ी दिल चाह रहा था पाए खाने का, क्योंकि मैंने जब पाए बनाए थे ना पिछली बार तो वो तो मैं अम्मी के यहाँ ले गई थी और बच्चों ने भी खाया नहीं था खाना, तो इसलिए बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था पाए खाने को, तो इसलिए कल दोपहर में पाए बनेंगे, अभी चढ़ा दूंगी और वो फिर 2 घंटे पका के चूल्हा बंद कर दूंगी, और फिर सुबह में दोबारा से चूल्हा उसको खोल दूंगी सुबह 7 बजे, दोपहर तक वो तैयार हो जाएंगे, मसाला भून के फिर दोपहर में डाल दूंगी। तो दोपहर की ये सिचुएशन अभी ये चल रही है, दोपहर में खाने में पाया होगा। कहाँ गए थे? बाल कटवा सलमान के पास। तो कब से गए थे? 2 घंटे हो गए आपको गए हुए? बाल कटवाना है, बाल कटवाना है, थोड़ा बंदा होते हैं बारी करने का, पूरी मोहरा बना वही बना वही बना रही हूँ। क्या और सही नहीं करो, सही हो गलत ही क्या करो, मैंने तो आप पूछ लिया, मैं भी बता दूंगा सही करा वही काम। मैं तो कुछ करवाती ही नहीं हूँ जितना आप करवाते हैं, मेरी शक्ल देखिए कैसी हो रही है, और आप ना खुद को देंगे पप्पू बन बन के आते रहते हैं हर वक्त। क्या पप्पू बन गया? देखा मैं तो कुछ करवाती ही नहीं हूँ, मेरी शक्ल देखे कभी, मैंने महीनों हो गए मुझे ब्लीच किए हुए, सिर्फ एक आईब्रो ही कभी कभी, मतलब महीने डेढ़ 2 महीने में जब मुझे लगता है ना कि थोड़ी बढ़ गई है तो मैं सिर्फ आईब्रो ही बनवा लेती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ, ना फैशन करवाती हूँ, ना मैं ब्लीच करती हूँ, कुछ भी नहीं करती। और ये कह रहे हैं कि तुम करवाती हो तो मैं भी बताता हूँ, मैं करवाती क्या हूँ, कुछ भी नहीं करवाती मैं तो। अब मैं ना पाए बनाने के लिए जा रही हूँ, पाए चढ़ा दूँ और मिलते हैं पाए चढ़ाने के बाद। रात का 1 बज रहा है और मैं क्या कर रही हूँ रात को 1 बजे, वो भी किचन में। वैसे ही सोचने वाला सवाल है कि रात को 1 बजे मैं किचन में क्या कर रही हूँ। ये पाए लाए थे ना बच्चों के कहने पे, तो पाया चढ़ा रही हूँ, चढ़ा दिया वैसे मैंने ये, अभी ये दोस्त को 2 घंटे पका के चूल्हा बंद करना है, वैसे भी आज हफ्ते का दिन है और देर तक जागूंगी, तो इसलिए पाया असल में ये सुबह इन्होंने लाकर दिए थे, और ये बिल्कुल मतलब जम गए थे, डिफ्रीजर कर दिए थे ना, तो फिर जब मैं खाना बनाने के लिए आई थी ना किचन में 7 बजे गए हैं, तो मैंने ये निकाल के रख दिए थे, और निकाल के रख दिए थे क्योंकि इसको मेल्ट करना था, क्योंकि वॉश करना था अच्छी तरह, तो अभी फिर ये मेल्ट हो गए थे, इसको अच्छी तरीके से वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ चढ़ा दिया, बाकी का काम सुबह करेंगे। और इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन साबुत छिला हुआ, प्याज कटिंग करके डाली है, और लहसुन एक इतना बड़ा मतलब पूरा साबुत लिया था, और 2 इतनी बड़ी बड़ी प्याज दरमियानी साइज़ की, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी, और सरसों का तेल वो भी थोड़ा सा लिया था मैंने ना, हाँ थोड़ा सा सरसों का तेल, और अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। बस बच्चे भी जाग रहे हैं और बातें बातें करने की आवाज़ आ रही है बच्चों के लिए, तो रात को 1 बजे मैं किचन में ये करने के लिए आई हूँ, और रात को 3 बजे मुझे दोबारा आना पड़ेगा, इसका चूल्हा बंद करना है क्योंकि
और काफी टाइम हो गया है, तो आज का तो पूरा व्लॉग ही मेरा किचन में बना है क्योंकि काम कर रही थी और काम करने के दौरान ही मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया और काम करते करते ही व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ऑन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाफेज़।